पेड़ों के बीच बैठी प्रियंका, कभी हाथ में थाम लिया सांप, कभी सपेरों से करने लगी बात। ना कोई डर, ना कोई बेचैनी, ना किसी तरह की घबराहट। पैरों के पास किंग कोबरा है, लेकिन प्रियंका को कोई खौफ नहीं। उल्टे लोगों को बता रही हैं कि ये काटेगा नहीं। सांप चाहे विषहीन ही सही, लेकिन हाथों में उठा लेने की हिम्मत अच्छे अच्छे नहीं कर पाते। लेकिन प्रियंका ने इस छोटे सांप को खिलौने की तरह उठा लिया, करीब 22 सेकंड तक हाथों में थामे रखा, फिर इस सांप को कुछ देर तक पुचकारती रही। अब मौसम चुनावी है और प्रियंका गांधी रायबरेली में थी, तो प्रियंका यहाँ बरबस ही नहीं बैठ गई, सपेरे से पूरा हाल चाल पूछा। आबादी ही नहीं है तो सर कम से कम हमारी अंदाज से 200-300 से 200 से ऊपर। अब पब्लिक कनेक्ट की इससे बेहतरीन तस्वीर शायद ही देखने को मिले। सियासत में तस्वीरें बड़ा संदेश देती हैं। सपेरों की बस्ती में प्रियंका को यूं बैठे देख भला कौन होगा जो तारीफ किए बगैर रह जाए। लेकिन एक संदेश प्रियंका ने बुधवार को अमेठी से भी दिया। कहने वाले से अंधविश्वास कह दे, लेकिन प्रियंका के लिए पूजा है। हिंदुस्तान में औरतें पति की लंबी उम्र के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं, लेकिन प्रियंका ने भाई के राज तिलक के लिए पूरे विधि विधान से बरगद की पूजा की, जीत का आशीर्वाद मांगा। तो संदेश भी साफ है और प्रियंका का मकसद भी, और सियासी संग्राम के मुद्दे भी। जनता की समस्याएं हैं, उनको हल करना है, उनको उठाना है, उनके बारे में बात करना है। तो उम्मीद तो यही है ना कि भाजपा की सरकार हारेगी, इसीलिए तो हम सब काम कर रहे हैं। चुनावी रण में हर वोटर कीमती है और प्रियंका वोट की कीमत भी समझती हैं और वोटर को संदेश देने का हुनर भी जानती है। टीम न्यूज़ नेशन।